पुरी प्रवेश पथ वीर हरिकृष्णपुर छक उड़ब ऐतिह्य संपन्न जातीय पताका फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं जातीय राजपथ कर्तृपक्ष मिलित सहयोग में 108 फुट्र ऐतिह्य जातीय पताका आज लोकार्पण करेंगे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल आउ बाटगां छक निकट में ऐतिह्य संपन्न पताका लगवा सहित सेठारे एक पार्क भी करा जाएछि। आउ एही उत्सव में फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया सभापति नवीन जिंदल पुरी जिलार समस्त विधायक एवं सांसद जोगदे। पुरी प्रवेश पथ वीर हरेकृष्णपुर छक उड़ब ऐतिह्य संपन्न जातीय पताका फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं जातीय राजपथ कर्तृपक्ष मिलित सहयोग में 108 फुट्र ऐतिह्य जातीय पताका आज लोकार्पण करेंगे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल आउ बाटगां छक निकट में ऐतिह्य संपन्न पताका लगवा सहित सेठे एक पार्क भी करा जाएछि। एही उत्सव में फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया सभापति नवीन जिंदल पुरी जिलार समस्त विधायक एवं सांसद जोग देवार कार्यक्रम रही। उड़ब 108 फुट्र जातीय पताका पुरी प्रवेश पथ वीर हरेकृष्णपुर छक उड़ब एही ऐतिह्य संपन्न जातीय पताका फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं जातीय राजपथ कर्तृपक्ष मिलित सहयोग में 108 फुट्र ऐतिह्य जातीय पताका आज लोकार्पण करेंगे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। ए संपर्क में अधिक अपडेट देवाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रियदर्शन। प्रियदर्शन आप घटनास्थल में बर्तमान उपस्थित अच्छा तेज आज लोकार्पण केतबेले करा जिवो सेनी कोनसी अपडेट आसीपारुछ कि देखो मंदाकिनी आउ किसी समय प्रतीक्षा रही है जेहेतु जो अतिथि मैंने रही आसी पहुँची सारी विशेषकर जेहेतु प्रोफेसर गणेशी लाल यही पताका उत्तोलन करेंगे तेणु निहाती पक्षे से आसिक पहुँची सारी जो मंत्री मैंने रही अतिथि मैंने तुषारकांति बेहरा समीर दास और पूरी विधायक जयंत षडंगी समस्त उपस्थित हेले तेणु आ किसी समय प्रतीक्षा रही आप चित्र देखी सनातन को कह चित्र टी देखे पताका प्रस्तुत हो रही 36 फुट र लंब एवं 24 फुट रो चौड़ा रही पताका एवं ये हूँ देशर 106तम स्मारकी जहाँकि फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं एनएचएआई तरफ मिलित भाव करा कार्यक्रम एवं जानते ये हूँ वीर हरेकृष्णपुर छक पूरा पुरीर प्रवेश पथ एवं यही जो पर्यटक मैंने दुई भाग को जाती दुई पट को जाती दुईपट दे कि महाप्रभु को दर्शन पाई हो बा जो पर्यटक मैंने आसी था बेलाभूमि बुलाई हूँ से जाते हैं तेणु यही स्मारकी को करवा उत्तोलन करने कि स्थापित करने कि उद्यम कर सबुठ बड़ कथा आप जानते जमी देश अमृत महोत्सव पालन करुच्ची 75तम स्वाधीनतार अमृत महोत्सव एवं यही समय फ्लाग फाउंडेशन इंडिया तरफ पूरा देश 105टी जगह करशार पूर्व सुंदरगढ़ जो बड़ाई रही भुवनेश्वर किस रही बड़बिल रही पूरी में स्मारकी को स्थापन करेतु तिरंगा कथा आसिले मातृभूमि गर्व कथा आसे देशर स्वाभिमान प्रतीक कथा आसे और एटी स्थापित होगा द्वारा जो शांतिर प्रतीक एक बोली कहुपर आम जाचे जेहेतु पूर्वर सुप्रीमकोर्टर मध्य राय रही जे प्रत्येक दिन देशर प्रत्येक दिन गोटे नागरिक अधिकार रही यही पताका उत्तोलन करेंकि 2004 जो आईनगत लड़े विजय लाभ करते नवीन जिंदल जी क्रीड़ाविद सांसद रही थे तेणु विभिन्न समय आम देखीचे पूरा देशर ये 105टी जगार जिते बड़े स्मारकी को रखा जाए ये आम गौरव प्रतीक बोली कहुपी एटी जिते बड़े प्रवेश पथरे निश्चित पक्ष समस्त उत्साह रे नवीन जिंदल आसिक पहुँचुंट जहाँ ये प्रचेषा रही जे आईनगत लड़े लड़ीते जीति समस्त कि से अधिकार आनी गोटे भारतीय नागरिक हिसाब से जड़े भारतीय नागरिक हिसाब से गर्वित नागरिक हिसाब से केमती देशर पताका को उत्तोलन कर प्रत्येक दिन उत्तोलन करजर कर्मसंस्थान होजर घर होठार कर सनातन देखा आपको चित्र नवीन जिंदल आसिक पहुँचुच एक्सक्लूसिव
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଇଏ ସେ ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା ଗତ ଲଢ଼େଇ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା ଯେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦେଶର ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ନିଜର ଘର କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି 36 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଜାତୀୟ ପତାକା ଏବଂ 24 ଫୁଟ ସାରର ଏବଂ 108 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଇଏ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତର 106ତମ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ କୁହନ୍ତୁ, ନବୀନ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟର ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଏହାପରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପତାକାକୁ। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।